नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागर सिंह और आज बताऊंगा आपको मिर्च में लगने वाले लीफ कर्ल थ्रिप्स के बारे में। कि दोस्तों, ये थ्रिप्स जो होता है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और जब ये हमारे खेत में आ जाती है तो पत्तियां कर्लिंग हो जाती हैं, यानी कि वो मुड़ जाती हैं और ऐंठ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मरोड़े आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा खेत की पत्तियाँ ऐंठ गई और कुछ कहते हैं कि हमारी मिर्च बंद गई। कहें कुछ भी, लेकिन मतलब एक ही है कि इसमें लीफ कर्ल हो जाती है, जिससे हमारे पौधों के भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है और इस पर फूल नहीं रुक पाते, और फूल रुक भी जाते हैं तो उस पर फल नहीं बन पाते। अगर फल हल्के फुल्के बन भी जाते हैं तो बहुत सुखड़े हुए और टेढ़े मेढ़े और बहुत ही ख़राब क्वालिटी के बनते हैं, जो बाज़ार में बिक नहीं पाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये जो बीमारी होती है काफ़ी ख़तरनाक होती है और दोस्तों, ये एक प्रकार से थ्रिप्स की बीमारी है। ये थ्रिप्स एक छोटा छोटा कीड़ा होता है जो हमारी पत्तियों को मोड़ देता है, यानी कि ऊपर की तरफ ये नाव की तरह ये बन जाते हैं और ये पत्तियाँ सुखड़ी सुखड़ी जाती हैं, जिससे हमारी मिर्च की फसल को बहुत नुकसान होता है। इस पर कंट्रोल करने के लिए आप दवाई बताते हैं। एक दवाई आती है डायफेंथ्रॉन 50% WP। आप इसको 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, यानी कि 20 ग्राम आप दवाई लेंगे और 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस रोग पर कंट्रोल हो जाता है और दोस्तों, हमारी मिर्च की जो फसल है वो ठीक हो जाती है और उस पर फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं और वो अच्छी हो जाती है और हमें अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा मुनाफा मिलता है। और दोस्तों, इसके साथ दूसरी दवा भी यूज कर सकते हैं अगर ये नहीं मिलती है, या फिर आप दूसरी बार तीसरी बार स्प्रे करते हैं तो आप अदल बदल कर भी दवा का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे एक दवाई आती है एसीपेड 75% WP, आप इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी और अच्छा मुनाफा मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।